नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज मेरे हाथ में आप ये कागज का जो टुकड़ा देख रहे हैं वो है गूगल का गूगल वेरिफिकेशन पिन, यानी कि गूगल एडसेंस का जो वेरिफिकेशन पिन है वो मुझे यहाँ पे मिल गए। तो दोस्तों, ये पिन क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपने अपना नया YouTube चैनल यहाँ पे बनाया है और अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है तो दोस्तों आपके खाते में यहाँ पे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपके $100 होने के बाद भी आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप इस कोड को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे जाके वेरीफाई नहीं करते तब तक आपके खाते में कोई भी पैसा यहाँ पे गूगल एडसेंस नहीं भेजने वाला है। दोस्तों, आप इस वेरिफिकेशन कोड का वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे बना लिया होगा। और अगर यहाँ पे कोई भी यूजर है जिन्होंने गूगल एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख के अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये गूगल वेरिफिकेशन कोड मतलब क्या है। तो दोस्तों, YouTube हो या Google हो, वहाँ पे बहुत सारे अपलोडर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे फेक आईडी बना के कोई भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं। और उस फेक कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई इंसान होता है और उसे अगर Google को इसके बारे में कंप्लेंट करनी पड़ती है तो वो Google के पास जाता है और उस कॉन्टेंट के और उसके अपलोडिंग करने वाले के अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेंट करता है, तो Google उसके बाद उसका अकाउंट यहाँ पे डिसेबल कर देता है या उसे नोटिस भेजता है। तो उसके लिए Google के पास यहाँ पे उस अपलोडर का जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, कोई भी फेक आईडी बनाता था, यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल देता था और अगर किसी स्कैम में पकड़ा जाता था तो वो आसानी से यहाँ पे निकल जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि गूगल ने अपने सिक्योरिटी को और भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा, अगर आप भी कोई फेक आईडी बना के पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल आपको पैसा भेजने से पहले आपका एड्रेस यहाँ पे वेरीफाई कर लेता है और यहाँ पे गूगल चेक करता है कि जो आपने एड्रेस डाला है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए गूगल ये वेरिफिकेशन कोड आपके एड्रेस पे भेजता है। अगर ये कोड आपको मिल जाता है और आप इस कोड को वेरीफाई कर देते हैं तो गूगल को यहाँ पे समझ आता है कि ये जो इंसान है या ये जो गूगल एडसेंस का जो होल्डर है वो यहाँ पे इस पते पे मौजूद है। तो इसके बाद ही गूगल आपके खाते पे पैसा भेजना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये कोड हमें कब मिलता है। तो दोस्तों, समझ लीजिए आपने अपना एक YouTube चैनल यहाँ पे क्रिएट किया, फिर कुछ दिनों बाद आपका मोनेटाइजेशन यहाँ पे एनेबल हो जाएगा और मोनेटाइजेशन एनेबल होने के बाद आपके खाते में या आपके जो Google AdSense के जो अकाउंट है वहाँ पे आपका जो अर्निंग है वो डॉलर्स पे यहाँ पे जमा होने लगता है। तो दोस्तों, आपको चाहे दिन में $1 मिले, आधा डॉलर मिले, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आपके $10 यहाँ पे पूरे हो जाते हैं तब ऑटोमेटिकली गूगल एडसेंस की तरफ से एक कोड यहाँ पे जनरेट होता है और वही ये कोड होता है दोस्तों। और ये कोड गूगल एडसेंस आपका जो एड्रेस आपने गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो डाला है उस एड्रेस पे गूगल एडसेंस यहाँ पे भेज देता है। तो इसके लिए आपको कोई भी अलग से प्रोसीजर यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये वेरिफिकेशन कोड कितने दिनों में हमारे पास आता है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो ये कोड आपको 15 दिनों के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको 5 दिनों में भी मिल सकता है, 10 दिनों में भी मिल सकता है और 15 दिनों में भी मिल सकता है, यहाँ पे और 5 दिन ज्यादा भी ले सकता है। तो इसमें डेफिनेटली मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन 15 दिनों के अंदर आपको ये मिल जाएगा अगर आप किसी बड़ी सिटी से बिलोंग करते हो तो। और अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो, यानी कि आप किसी दूर के गांव में रहते हो, तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोड आप अगर रूरल एरिया में रहते हो तो आपके पास ये 15 से 30 दिनों के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये कोड आपके पास कब आ रहा है ये चेक करने के लिए आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे जाना होगा। वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस डेट को ये कोड आपको भेज दिया गया है। समझ लीजिए कि 1 जनवरी को ये कोड आपको भेज दिया गया है, तो यहाँ पे ये कोड आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, यानी कि आपको 1 फरवरी के अंदर अंदर ये कोड मिल जाना चाहिए। तो आप 1 फरवरी तक वेट कीजिए और भी 5 दिन आप वेट कीजिए, मतलब आप 5 फरवरी तक यहाँ पे वेट कीजिए, यानी कि आपने 35 दिन तक यहाँ पे इसका वेट किया। तो अगर 5 फरवरी तक भी ये कोड आपके पास नहीं आता है तो आपको इसके लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप 6 तारीख को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन कीजिए और वहाँ पे आप अपने अकाउंट में जाके इस पिन के जनरेशन के लिए दोबारा आप रिक्वेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये हमारे पास क्यों नहीं आता है, मतलब इसके हमारे पास ना आने की वजह क्या है।
तो दोस्तों यहाँ पे एक ही वजह है जिसकी वजह से ये कोड आपके पास नहीं आ सकता है। तो दोस्तों ये वजह ये है कि आप यहाँ पे जो एड्रेस डालते हैं अपने गूगल अकाउंट पे वो अगर गलत होता है तो ये गलत एड्रेस की वजह से आपके पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि गलत एड्रेस की वजह से पोस्ट वाले आपके सही एड्रेस पे इसे पहुंचा नहीं सकते और उसके बाद वो फिर से रिटर्न आ जाता है। उसके बाद आपको फिर अपने गूगल एडसेंस पे जाना पड़ता है और आपको इसके लिए फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये दूसरी बार आपको यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम दूसरी बार इस कोड के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो पहली बार ये कोड आया था तब हमने क्या गलती की थी जिसकी वजह से ये कोड हम तक नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे हमें जल्दी से इसके रीजनरेशन के लिए यहाँ पे कोई भी जल्दी नहीं करनी, हमें अपने गूगल एडसेंस में जाके इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे चेंज करके लेना है। तो ये एड्रेस आपको कैसे चेंज करना है ये मैं आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे ले जाके अपने मोबाइल के जरिए यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो मेरा एड्रेस चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट पे जाना होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल के ब्राउज़र से गूगल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मुझे डालना है गूगल एडसेंस। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ गूगल एडसेंस और इसे मैं सर्च करके लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स यहाँ पे आने वाले। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 1, 2 और 3 नंबर पे जो सर्च रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है उसी पे आपको क्लिक करके लेना है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा www.google.com/adsense-login। तो मैं यहाँ पे गूगल एडसेंस पे क्लिक करके लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक पेज यहाँ पे आने वाला है। अगर दोस्तों आपका पहले से ही गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो यहाँ पे वो सबसे ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप अपने गूगल एडसेंस को यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना होगा। तो दोस्तों आपका अकाउंट आपके मोबाइल पे ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज यहाँ पे आने वाला है। तो आपको यहाँ पे होम के आगे जो 3 लाइंस यहाँ पे दिखने वाले हैं वहाँ पे आपको क्लिक करके लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। लेकिन आपको अपना एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पे जो पेमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करके लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करके लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे जाना है, वहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं मैनेज सेटिंग पे क्लिक करके अपने सेटिंग्स को यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा अपने पेमेंट अकाउंट के सेटिंग में यहाँ पे डाइवर्ट हो गया। उसके बाद में दोस्तों मुझे यहाँ पे पेमेंट्स प्रोफाइल का ऑप्शन मिलने वाला है और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों 4 नंबर पे मुझे नेम एंड एड्रेस का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो पेंसिल का साइन दिख रहा है, एडिट का साइन होता है ये, वहाँ पे मुझे क्लिक करके लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपका जो भी सही एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड या आपके पैन कार्ड पे है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि जब आप आधार को वेरीफाई करेंगे तब ये दोस्तों ये दोनों एड्रेस मिसमैच ना हो जाए। इसके लिए आपको जो एड्रेस आधार पे आया है उसी एड्रेस को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आप इसे सेव करके लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अभी भी देखा कैसे हमने गूगल एडसेंस पे जो हमारा एड्रेस था उसे हमने एडिट करके चेंज कर लिया। तो उसके बाद दोस्तों आपको फिर से इस कोड के जनरेशन के लिए आपको सेकंड टाइम यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद दोस्तों आपको फिर से 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपने सही एड्रेस फिर से डाला है तो ये डेफिनेटली आपके पास 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों आपके दिमाग में अब ये सवाल आया होगा कि हम कितने टाइम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 3 टाइम्स इस कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके 3 टाइम्स अप्लाई करने के बाद भी अगर ये कोड आपको नहीं मिलता है तो आपका जो गूगल का एडसेंस का अकाउंट है वो यहाँ पे परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा और आप इस अकाउंट से कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो भी आप गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं वहां पे आप अपना जो एड्रेस है वो सही से डालें। जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे वही एड्रेस आप वहां पे डालें, क्योंकि आपको आधार कार्ड भी अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो अलग हो और आपने जो डाला है वो एड्रेस अलग हो। आपको ये दोनों एड्रेस सेम रखने होंगे और सही रखने होंगे, तभी आपके पास ये कोड यहाँ पे पहुंचने वाला है और आपकी अर्निंग आपके बैंक खाते में यहाँ पे आने वाली है। और दोस्तों अगर आपके दिमाग में इस गूगल वेरिफिकेशन कोड के बारे में अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की यहाँ पे बहुत ज्यादा कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।